नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। सड़कों पर वाहनों की संख्या में तो बेहिसाब इजाफा हो ही रहा है, गैर जिम्मेदारी से ड्राइव करना भी इसका एक प्रमुख कारण है। बावजूद इसके ट्रैफिक पुलिस द्वारा हर संभव उपाय किए गए हैं ताकि राष्ट्रीय राजधानी में सड़कें सुरक्षित रहें और यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके। एक रिपोर्ट। दिल्ली में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दो पहिया वाहन हो या चार पहिया, सभी प्रकार के वाहनों में ये बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इससे दिन प्रतिदिन सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यातायात का सुचारू एवं सुरक्षित परिचालन बहुत बड़ी चुनौती है। लिहाजा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि नागरिकों के आवागमन को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के साथ साथ यातायात नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पूसा स्थित दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स में बकायदा एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीक और उपकरणों के जरिए यातायात की बारीकी से निगरानी की जाती है। पहले लोगों के पास साइकिलें थी, मोटरसाइकिलें थी, अब उन्हीं के पास जो है फोर व्हीलर होगी। रोड वहीं की वहीं है, इसके वजह से जगह जगह कंजेशन बनते जा रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो भी रिसोर्सेज है उससे पहले आइडेंटिफाई करती कहां कहां बॉटलनेक हो रहा है। तो हमने 77 कॉरिडोर जो है आइडेंटिफाई किया, उसमें कौन कौन से जगह बॉटलनेक हो रही है, उसके करीब 650 पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई किया। उस पर टास्क बेस हर एक को असाइन किया गया कि इसको हमको एलिमिनेट करना है। और ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों में हम लोगों ने मोर देन 500 पॉइंट्स को हमने एलिमिनेट किया। दिल्ली में रेड लाइट जंप करना और ओवर स्पीडिंग बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय स्थित एनफोर्समेंट सेंटर में 24 घंटे राजधानी की सड़कों पर रेड लाइट जंप करने और ओवर स्पीड वाहनों पर सघन निगरानी की जाती है। इसके लिए दिल्ली में 43 स्थानों पर 209 रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे लगाए गए हैं, जबकि 66 जगहों पर 125 ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे रेड लाइट जंप करने वाले और नियत गति से ज्यादा रफ्तार में चलने वाले वाहनों का पता लगा लेते हैं। इन कैमरों से जो जानकारी प्राप्त होती है उसका ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा गहनता से विश्लेषण किया जाता है और अगर यातायात नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो वाहन का चालान किया जाता है। इस सेंटर में 55 पुलिस कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे 209 रेड लाइट वायलेशन कैमरा है और 125 ओवर स्पीड कैमरा और ओवर दिल्ली लगे हुए हैं। तो जो एक सर्टेन लिमिट को से स्पीड से ज़्यादा स्पीड से जाता है तो ओवर स्पीड वाला डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर जो लोग उसको वेरीफाई करते हैं कि रियल में वो गाड़ी का नंबर जो ऑटोमेटिकली पॉपअप कर रहा है और अल्फा न्यूमेरिक जो कन्वर्जन हो रहा है सही है कि नहीं, उसको वेरीफाई करके वो चालान तुरंत का तुरंत इशू कर देते हैं और बिना कॉन्टैक्ट हुए उनके पास SMS के माध्यम से तुरंत ऑन द स्पॉट पता लग जाता है कि मैं वायलेट किया हूँ। उसी तरह से रेड लाइट का है कि अगर कि रेड लाइट कोई वायलेट करता है उसका रेड लाइट वायलेशन कैमरा डिटेक्ट करता है, यहाँ वेरीफाई होता है कि वहाँ पर जेब्रा मार्किंग पर है कि नहीं, जेब्रा मार्किंग से पहले रुका है या उसको क्रॉस करके रुका है या रेड लाइट है उसी को क्रॉस ओवर कर दिया है। तो ये 2-3 फिनोमेना है जिसको मॉनिटर करता है, उसको वेरीफाई करता है और चालान करता है। दिल्ली में यातायात सुगम हो और यात्री सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच सके, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए जहां सड़कों पर बनने वाले बोटलनेक की पहचान कर उनको खत्म किया गया है, वहीं VMS यानी वेरिएबल मैसेज साइंस लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से रोड यूजर्स को जरूरी जानकारी प्रदान की जाती है ताकि सड़कों पर जाम की समस्या पैदा ना हो और यात्री आसानी से अपना सफर तय कर सकें। इतना ही नहीं, यातायात में हो रहे किसी भी व्यवधान के बारे में ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1095 पर भी जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ साथ ट्रैफिक सेंटिनल ऐप और दिल्ली पुलिस ऐप के माध्यम से यातायात संचालन में आ रही बाधा या वाहन आदि के बारे में कोई भी जानकारी या सूचना दी जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स में 2400 घंटे तैनात कर्मचारियों द्वारा उनका समाधान किया जाता है। जो हमारे पहले VMS थे वो 50 जंक्शन पर लगे थे, अभी हमने 46 पर और जोड़ा है तो ऑलमोस्ट 96 पॉइंट हो गए।
तो हम डाइवर्जन के लिए भी जहाँ कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ कहीं कुछ हो रहा है, तो हम सेंट्रली उसको ब्रॉडकास्ट कराते हैं कि इस पॉइंट पर प्रोटेस्ट होने वाला है, कंजेशन हो रहा है, वहाँ से डाइवर्जन ले लें। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो होता जा रहा है। सड़कों को सुरक्षित बनाने और रोड एक्सीडेंट में कमी लाने में क्रैश रिसर्च सेल अहम भूमिका निभाता है। सेल द्वारा जियो टैगिंग कर सड़कों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की जाती है। इसके साथ ही क्रैश रिसर्च सेल सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने, हादसों की संख्या कम करने और रोड सेफ्टी के लिए उठाने योग्य आवश्यक कदम के संबंधित सटीक सुझाव भी देता है, जिससे दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है। ये सेल सरकार को भी बेहतर ट्रैफिक नियम बनाने के साथ साथ हादसों की दर कम करने के लिए बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी मदद करता है। क्रैश रिसर्च सेल दिल्ली में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों और घायलों की तादाद और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी साल भर की विस्तृत जानकारी को क्रैश रिसर्च सेल द्वारा रोड क्रैश इन दिल्ली नामक पुस्तक में भी वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। क्रैश रिसर्च सेल द्वारा दिए गए सुझावों और जानकारी की बदौलत दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। इसके तहत जहां 2009 में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या 2,325 थी, वहीं साल 2023 में ये घटकर 1,432 रह गई है। क्रैश रिसर्च सेल का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको आइडेंटिफाई कर कहां एक्सीडेंट हो रहा है। हमारे 118 लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर एक्सीडेंट वेरी फ्रिक्वेंटली होते हैं। उस 118 लोकेशन में से हमने कहा टॉप के 10 कौन है, उस टॉप के 10 को लेकर हमने टेबल टॉप एक्सरसाइज किया है। और ये आइडेंटिफाई के बहुत सारे 60% केसेज में देखा गया कि जस्ट छोटा सा कोर्स करेक्शन कर दिया, जैसे साइनेजेज है, वहाँ पर साइनेजेज नहीं है, कहाँ से हमको रोड क्रॉस करना है, कहाँ से हमारी स्टैंड है, बस का स्टैंड है, तो इस टाइप के साइनेजेज अगर के हम प्रॉपरली लगा दें तो ये एक्सीडेंट कम हो जाती है। नियमों का पालन करने वाले रोड यूजर्स को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसके अंतर्गत की चेन प्रदान करने के साथ साथ नियमों के मुताबिक चलने वालों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, ताकि उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा सके और अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। याद रखिए, यातायात नियम सदैव वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। अगर सभी रोड यूजर्स अनुशासित ढंग से यातायात नियमों का पालन करें तो दिल्ली में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या आप जानते हैं 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधिसूचना होने के बाद अपराध की रिपोर्टिंग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि शिकायतकर्ता इलेक्ट्रॉनिक संचार यानी EFIR के माध्यम से भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। ये हैं नए भारत के नए कानून। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली एनसीआर में सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन आरोपी रंजित सोनी, सौरभ और सोनू को दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने सफदरजंग के दो घरों को अपना निशाना बनाया था। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए एक ऑटो रिक्शा की पहचान की, जिसमें ये तीनों सेंधमारी की वारदात के बाद सवार होकर फरार हुए थे। पुलिस ने कड़ी मेहनत और ऑटो रिक्शा चालक से पूछताछ कर इनकी लोकेशन को ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेड कर पहले सौरभ और सोनू को पकड़ा, फिर इनकी निशानदेही पर उत्तम नगर में दबिश देकर इनके साथ ही रंजित सोनी को भी धर दबोचा। पूरे दिल्ली भर में ये रात भर ये चोरियां करते थे और अलग अलग ऑटोज में जाते थे और इनको पर दिन के जो ये लोगों को एसिमिलेट करते थे, इनकी पर दिन की रेट्स भी फिक्स थी। खास तौर से खास बात ये है इसमें, इन्होंने पूरा खुद ही सब चीज़ को करने के लिए आगे इन्होंने एक उत्तम नगर में घर ले रखा था। वहाँ पे ये जो रेंट पे रह के ये सब वहाँ मिलते थे, वहाँ से फ़ोन स्विच ऑफ करके निकलते थे और इन्होंने वहाँ पे मशीनरी भी, स्पेशलाइज मशीनरी जो कि सोने को गलाने के लिए, वो भी रख रखी थी और वहाँ पे ये सोने को कन्वर्ट करते थे। तो काफ़ी मैसिव लेवल पे ये जो चोरियाँ कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से सेंधमारी की अलग अलग वारदातों में चोरी किया गया सोना और चांदी सहित घरों को अनलॉक करने में इस्तेमाल औजार भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने नामी कंपनियों में जॉब लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने तीन महिलाओं सहित चार आरोपियों को दबोचा है। इन्होंने दिल्ली और एनसीआर में प्लेसमेंट एजेंसी स्थापित कर रखी थी। वहां से लोगों को कॉल करके ये दिल्ली मेट्रो सहित कई नामी कंपनियों में जॉब लगाने का झांसा दिया करते थे। झांसे में फंसे लोगों से ये फॉर्मेलिटीज के नाम पर पैसे लिया करते थे। रुपए मिलने के बाद ये उनके फोन उठाना बंद कर देते थे। इनके द्वारा ठगे कई लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गहन छानबीन और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इनके ठिकाने का पता निकाला और वहां रेड कर इन्हें दबोच लिया। ये लोग एक डीजी रिक्रूटर्स के नाम से एजेंसी चलाते थे, पहले नेहरू प्लेस में और अभी रिसेंटली इन्होंने शिफ्ट किया था गाजियाबाद कौशाम्बी में। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा ऑफिस बनाकर और लोगों को कॉल करते थे कि आपको दिल्ली मेट्रो, अमेज़ॉन, इस तरह की जो प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर जॉब लगवाएंगे और इसी झांसे को आगे बढ़ाते हुए ये लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाते थे। तो रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू कॉल इत्यादि के नाम पर ये लोगों से पैसे हट लेते थे और बाद में इनका फ़ोन नहीं उठाते थे। तीन चार महीने एक जगह से ऑपरेट करने के बाद ये गायब हो जाते थे। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की धरपकड़ में लग गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस्मानपुर इलाके में हुई संजय नाम के शख्स की ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने दो आरोपी सुमित और दीपक पर शिकंजा कस दिया है। मृतक और आरोपी पड़ोसी थे, इनकी आपस में दुश्मनी भी चल रही थी। हाल ही में मृतक के भाई ने सुमित की पिटाई कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए सुमित और दीपक ने संजय को उस वक्त गोली मार दी जब वो बाइक पर सवार होकर उस्मानपुर इलाके से जा रहा था। जांच पड़ताल में लगी क्राइम ब्रांच को अपने इन्फॉर्मर से सूचना मिली कि संजय की हत्या में शामिल आरोपी दीपक और सुमित जग प्रवेश वर्मा अस्पताल के पास मौजूद है। पुलिस टीम ने फौरन वहां रेड की और इन्हें दबोच लिया। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने वसंत कुंज इलाके में एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना प्रेमचंद मेतई को दबोच लिया है। प्रेमचंद अलग अलग राज्यों से लड़कियों को नौकरी देने के बहाने वसंत कुंज स्थित एक फ्लैट पर लेकर आता था। इसके बाद ये उन्हें किडनैप कर अश्लील वीडियो तैयार करता था, फिर ये उन्हें ब्लैकमेल कर देह व्यापार के धंधे में धकेल देता था। इसी तरीके से इसके चंगुल में फंसी एक लड़की से वसंत कुंज साउथ थाने में किडनैप किए जाने की कॉल मिली। इसी पर कार्रवाई करते हुए फौरन एक पुलिस टीम ने उससे संपर्क किया और उस फ्लैट पर पहुंची जहां और भी लड़कियों को जबरन बंधक बनाकर रखा हुआ था। पुलिस ने वहां मौजूद तीन लड़कियों को छुड़ाते हुए आरोपी प्रेमचंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से तीन मोबाइल फोन और 22 लाख रुपए से अधिक रुपए बरामद कर लिए हैं।
शहादरा जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक शातिर अपराधी फारूक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी अवैध हथियारों की तस्करी और चोरी के मोबाइल फोन की खरीद फरोख्त के अनेक मामलों में शामिल रहा है। इस पर दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में 24 आपराधिक मामले दर्ज। स्पेशल स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध हथियार तस्करी में शामिल एक शख्स ओल्ड सीमापुरी इलाके में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 जिंदा कारतूस और चोरी के 23 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने चोरों के कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पूजा नाम की एक महिला समेत 3 आरोपी रोहित और अक्षय को गिरफ्तार किया है। सोनीपत निवासी एक शख्स ने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वो चांदनी चौक इलाके में 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर रिक्शे से जा रहा था, तभी उस रिक्शे में सवार अज्ञात लोग उसका बैग चोरी कर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने गहनता से छानबीन करते हुए घटनास्थल के नजदीकी आसपास लगे 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए सभी आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रोहित को रघुबीर नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इससे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपी अक्षय और पूजा को मंगोलपुर गांव से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए कैश, चोरी किए गए 6 मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जकी अहमद, हासिब और राशिद नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम राजधानी में मादक पदार्थ तस्करों की गतिविधियों पर गहनता से नजर रख रही थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के बदायूं से हेरोइन की खेप लाकर उसे दिल्ली के वेलकम इलाके में सप्लाई किया जाएगा। इस पर मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने फौरन संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया। इसी बीच पुलिस को एक बैग और एक पैकेट लिए 2 अज्ञात शख्स वहां आते हुए दिखाई दिए। शक के आधार पर पुलिस ने उन्हें रोककर जब उनके बैग की तलाशी ली, जिसमें 510 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मादक पदार्थ सप्लाई करने के मुख्य आरोपी राशिद को भी धर दबोचा। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली कार भी बरामद कर ली है। दक्षिणी जिला पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में एक नाइजीरियन नागरिक विक्टर को दबोचा है। मेहरौली पुलिस स्टेशन की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नाइजीरियन नागरिक हेरोइन सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा है। इसी सिलसिले में वो छतरपुर पहाड़ी के नजदीक किसी को हेरोइन डिलीवरी के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने वहां नाकेबंदी की और इसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब इसकी तलाशी ली तो इसके कब्जे से 70 ग्राम से अधिक मात्रा में हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने हेरोइन जब्त करते हुए इसे धर दबोचा। क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों पर शिकंजा कस दिया है। पकड़े गए आरोपियों ने मेरठ में हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी। वहां से हथियारों को ये दिल्ली NCR में लाकर छेनू और नासिर गैंग के बदमाशों को सप्लाई किया करते थे। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का एक सदस्य उस्मानपुर इलाके में हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आने वाला है। इस महत्वपूर्ण सूचना पर पुलिस ने फौरन वहां ट्रैप लगाया और इसे पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों को दिल्ली और मेरठ में अलग अलग जगहों पर रेड कर दबोच लिया। पुलिस ने मेरठ में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को सील करते हुए इनके कब्जे से हथियार बनाने में इस्तेमाल रॉ मटेरियल सहित 9 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। मध्य जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम ने चोरी और झपटमारी के आरोपी नरेश को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए मोबाइल फोन्स को बेचने के इरादे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर पहुंचकर जाल बिछा दिया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। आरोपी पर दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 2 विदेशी नागरिकों को क्राइम ब्रांच ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
पुलिस ने इनके कब्जे से 31 ग्राम MDMA बरामद कर ली है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए आकी गई है। पकड़े गए आरोपी 7 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद वापस अपने देश नहीं लौटे। जल्दी पैसा कमाने के लिए ये ड्रग सप्लाई के धंधे को अंजाम देने लगे। ऐसे ही एक रोज जब ये निहाल विहार इलाके के चंदर विहार में ड्रग सप्लाई करने के लिए आने वाले थे तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। फौरन पुलिस ने वहां जाल बिछाया और दोनों को दबोच लिया। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने एक 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी टोटन लोहार को गिरफ्तार किया है। बवाना पुलिस थाने में PCR कॉल के जरिए इंडस्ट्रियल एरिया में एक बच्ची के अपहरण की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन हरकत में आई और बच्ची की तलाश में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने बच्ची के घर के नजदीकी इलाके में लगे CCTV कैमरे खंगाले, जिसमें से एक CCTV कैमरे की तस्वीरों में बच्ची एक शख्स के साथ जाती हुई दिखाई थी, जिसकी पहचान टोटल लोहार के रूप में की गई। आगे की छानबीन में खुलासा हुआ कि आरोपी ट्रेन से पश्चिम बंगाल भाग गया है। इस आधार पर एक पुलिस टीम कोलकाता रवाना हो गई और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। PCR कॉल बवाना पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई, जिसमें पेरेंट्स ने बताया कि उनकी 5 साल की बच्ची करीब शाम 5 बजे से मिसिंग है और काफ़ी तलाशने के बाद भी वह मिल नहीं रही है। सूचना प्राप्त होते ही एक FIR इसमें किडनैपिंग की दर्ज की गई और साथ ही मल्टीपल टीम्स बनाई गई बच्ची को ढूंढने के लिए। सर्च के दौरान कुछ CCTV फुटेजेस सामने आए, जिसमें बच्ची एक एडल्ट के साथ जाती हुई दिखाई दी। इस एडल्ट को पेरेंट्स ने टोटन लोहार नाम के व्यक्ति के रूप में आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक बच्ची का शव भी बरामद कर लिया है। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गिरोह के सदस्य चढ़े स्पेशल सेल के हत्थे। तरुण बालियान और हिमांशु नाम के तस्कर मध्य प्रदेश के खारगोन से हथियार लिया करते। वहां से हथियार लाकर ये दिल्ली NCR सहित पश्चिमी UP के बदमाशों को सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। स्पेशल सेल ने हथियार तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान पुलिस को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गिरोह के 2 सदस्य मेहरौली स्थित अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के नजदीक हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आने वाले हैं। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन वहां ट्रैप लगाया और उनका इंतजार करने लगी। जैसे ही ये कंधे पर लदे 2 बैगों में हथियार लेकर वहां आए तो पुलिस टीम ने इन्हें घेर लिया और इन्हें अपने काबू में कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद कर ली हैं। स्पेशल सेल के IFSO यूनिट ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड निशांत सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोगों को कॉल कर खुद को अलग अलग सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताते और कॉल पर ही ये लोगों को बीमा कंपनियों में निवेश की गई रकम को दिलाने का झांसा देते। झांसे में फंसे लोगों से ये औपचारिकताएं पूरी करने के नाम पर अपने खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरीके से 3,50,00,000 रुपए की ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति से शिकायत मिलने पर IFSO यूनिट ने कार्रवाई की। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से सबसे पहले गिरोह के सरगना निशांत को पकड़ा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर धोखाधड़ी में शामिल इसके 6 साथियों पर भी शिकंजा कस दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप और 1 पेन ड्राइव भी बरामद कर ली है। नए आपराधिक कानूनों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि पुलिस कर्मियों को नए कानूनों को लागू करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसी कड़ी में द्वारका जिला पुलिस द्वारा जिला क्षेत्र के जांच अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें DCP अंकित सिंह ने भी पुलिस कर्मियों को नए आपराधिक कानूनों से संबंधित जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जांच के दौरान तकनीकी उपकरणों के उचित उपयोग के तौर तरीके भी सिखाए। द्वारका जिला पुलिस ने दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में महिला सशक्तिकरण व साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 500 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान छात्राओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जूडो कराटे की ट्रेनिंग भी दी गई। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने सभी छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों से संबंधित जरूरी जानकारी दी और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।
दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।